नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइज, बहुत दिनों से लगातार हमें कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे मैसेज आ रहे हैं, इतने हमने जो भी वीडियो लोन एप्स से रिलेटेड बनाई थी, ठीक है गाइज, लोगों में बहुत समस्या हो रही है लोन एप्स को लेकर। ठीक, आज हम फिर इसी टॉपिक पे बात करने आए हैं कि लोन एप्स से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से अपनी समस्या से हमें बाहर निकलना चाहिए, कैसे हम लोन एप्स रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करें। ठीक है, ये बहुत ऊंचे लेवल के पे दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि किस तरीके से इनका हैरेस होता है बाद में। ठीक, अनजाने में हम पैसे ले लेते हैं इनसे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि इनकी रिकवरी किस टाइप की होती है, किस लेवल की होती है। तो गाइज देखो, मैं सीधी सी आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन बताया किस तरीके से इनसे बात करो, किस तरीके से इन्हें हैंडल करो। ठीक, बहुत कमेंट आ रही है, बहुत मैसेज आ रहे हैं हमें, बहुत हम पे कॉल भी आई कि सर हम इस समस्या से में पड़े हुए हैं, हमें निकालिए, हमें सॉल्यूशन बताइए। देखिए गाइज, इसमें सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक, थोड़ी लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, थोड़ी लीगल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको, देखिए मेरा नंबर, मेरी कंपनी का नंबर, मेरी टीम का नंबर आपको शो हो गया है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इन्हें हैंडल करना है। ठीक, डरना कहीं नहीं है, अगर आप डरोगे तो आप मरोगे, ठीक है, इनसे आप अगर डरोगे तो आपको ये डराएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पैसे आपने लिए हैं तो पैसे देने भी पड़ेंगे, ये बात हम सबको पता है, बट उसकी रिकवरी इस टाइप की नहीं हो सकती, ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ कि आपको रिकवरी एजेंट्स कॉल करें और इतनी गंदी गंदी गालियां देखें। मेल तो गालियां देते ही हैं, इसमें फीमेल भी रिकवरी एजेंट जो होती हैं वो भी आपको गालियां देती हैं। ठीक, तो ये बहुत तगड़ी समस्या हो रही है, इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे गाइस, क्योंकि ये लेवल, इसका प्रॉब्लम बहुत हो रही है लोगों को। तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको गाइड करूं, जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले, और लाइक जरूर करना, शेयर करके अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जरूर बताओ इस वीडियो को, क्योंकि ये फ्रॉड है। ठीक, इस वीडियो को हर जगह पहुंचाओ, जितना आप पहुंचाओगे वो आपके लिए भी सेफ होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो आपको बचाएगी आपके रिलेटिव्स में इज्जत बनाने से के लिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताना, उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है गाइस, तो आइए। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले आज आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट आती है कि सर आप एक एडवोकेट हो तो आप अपनी रिकवरी एजेंसी कैसे चलाते हो, तो आप वकील हो कैसे काम करते हो रिकवरी का। तो गाइस देखो, मैं बताऊं, जो बैंक के पैनल अधिवक्ता होते हैं ना, जो बैंकों के पैनल एडवोकेट होते हैं, वो रिकवरी भी बैंकों की करते हैं, सरफेसी भी करते हैं, वो लीगल रिपोर्ट भी बैंकों की बनाते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं बैंकों में। कभी बैंक के मैनेजर से मिलो, उससे बात करो, वो आपको बताएगा, देखो अगर बता दिया तो। ठीक, तो ये लॉ यार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें पता समंदर है, जितना डूबते हैं उतना नॉलेज मिलती है। ठीक है गाइज, तो जरूरी नहीं है कि एडवोकेट कोर्ट कचहरी के ही हों, बैंकों के पैनल होते हैं, लीगल कंसल्टेंट भी बहुत होते हैं, लीगल एडवाइजर भी बहुत होते हैं, पर्सनल कॉर्पोरेट के भी बहुत एडवोकेट होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, उसको देख लेना, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज हम बात करते हैं लोन एप्स के बारे में। लोन एप्स ये एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है जिसका निवारण, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास खुद ही है, और थोड़ी लीगल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है हमें। ठीक, देखो इनकी जो धमकियां होती हैं उनका लेवल बहुत ही ऊपर होता है इनकी। देखो सबसे बड़ी जो धमकी है, ठीक, वो मैं बताता हूं आपको, ये बोलते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, कि हम आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक, झूठ बोलो, ऐसा तो बोलो जो दूसरा वाला यकीन माने, आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे कोई ब्लॉक कर देगा। ठीक, जो एक और इनकी जो सबसे बड़ी धमकी होती है कि हम आपके घर पे पुलिस भेजेंगे, आपका केस 420 की धारा से कोर्ट में डालेंगे। ठीक,
यार मानते हैं कि वो बंदे ने फ्रॉड करा आपके साथ, बट आप उस पे केस डाल ले हो तो फंसोगे तो आप भी, क्योंकि आप उस उसके अधिकारों का हनन करके उसकी सोशल इमेज, उसकी जो समाज में, जो उसके परिवार में, जो उसके सगे संबंधी में इज्जत है उसको बेकार कर रहे हो। ये आपका कौन सा अधिकार है गाइज? ये देखो मैं आपको एक बताऊं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहली आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड वाली में सॉल्व कर दूं प्रॉब्लम को, लोगों के बहुत कमेंट आते हैं गाइज, ऐसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है। दूसरा, ये लीगल नोटिस ऐसे ऐसे भेजते हैं, पता नहीं क्या कौन सा, हमने खुद अलग ही समझ में नहीं आते, हमने आज तक इतने नोटिस भेजे हैं लोगों को अपने जो क्लाइंट के थ्रू, बाय क्लाइंट ने जो हमें से केस हो उसके हमने नोटिस भेजे हैं, हमने ऐसा लीगल नोटिस ऐसा कभी नहीं देखा जिस लेवल का ये झूठ बोलते हैं। बट देखो बात आपको मैं एक बताऊं, क्योंकि हमें पता है तो हमें इनकी झूठ से इनके जो भी ये झूठ है लीगल नोटिस भेजते हैं तो हम उसे देख के हंसते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। किसी बंदे को अगर पता है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है तो उसकी बात सुन के उससे सिर्फ मजाक करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैसा काम है तो इसलिए हमें हंसी आती है इनके काम देख के। बट जिसे वो चीज नहीं पता वो टेंशन में आता है, उसे परेशानी होती है, वो उस चीज को देख के डर जाता है, ठीक। तो उससे आपको बाहर निकलना है गाइस। देखो आपको हमारी टीम का नंबर दिख गया, आप हमारी टीम से बात करो, हमारे प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे किस तरीके से इनसे टेंशन, इनसे लड़ना है, किस तरीके से बात करना। देखो हाथापाई की बात नहीं कर रहा मैं, लड़ाई हाथापाई से हाथों पैरों से नहीं होती गाइस, लड़ाई होती है लीगली, लीगली लड़ेंगे, लीगली जीतेंगे, ठीक है। एक और बात बता दूं, जो भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं, देखो कॉल रिकॉर्डिंग जो भी आपने कर रखे वो अपने पास हमेशा सेव करके रखो, क्योंकि वो आपके प्लस पॉइंट होती है आपके केस को जितवाने में, ठीक। एक और इनकी बहुत अच्छी धमकी होती है कि हम आपके घर पे गुंडे भेजेंगे, रिकवरी वाले गुंडे भेजेंगे। भाई आप देखो, अगर आप पहले तो आप उसे गाली दोगे, फिर उसे बहुत तगड़ी तगड़ी गाली दोगे, फिर उसे और ऊंचे लेवल की गाली दोगे, और फिर भी आप उसे धमकी दे रहे हो कि आप उसके घर पे गुंडे भेजोगे, तो वो बंदा पागल नहीं है, वो जो भी उसके घर जाएगा वो पिट के आएगा, हमें भी पता। तो गाइज मैं देखो सिर्फ मैं रिकवरी वालों की तरफ से नहीं बात कर रहा, मैं आज आपकी तरफ से बात कर रहा हूं गाइज, आपको इनको डरा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे दिए हैं, पैसे दे देंगे, बट आपके सही तरीके से पैसे देंगे, ये नहीं कि आप गालियां भी दोगे और हम उस आपको पैसे भी देंगे, तो हमसे बड़ा पागल कौन होगा कि हम पैसे भी देंगे और गालियां भी दे सुनेंगे आपकी। तो ऐसा कोई देखो राइट नहीं है रिकवरी एजेंट्स का भी कि आपको गालियां बकें और फिर भी आपसे पैसे लें। प्यार से पैसे मांग रहे तो प्यार से, देखो प्यार से पैसे मांग रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपने पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं तो देने पड़ेंगे, ये हम सब जानते हैं। बट इस लेवल पे अगर आप पैसे मांगोगे तो कोई नहीं देने का यार, सब पागल थोड़ी है। लीगल नोटिस जो भी आता है गाइस आप हमारी टीम को देखो व्हाट्सएप करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, उनसे सॉल्यूशन लो अपना, उनसे कंसल्ट करो, जो आपको यकीन नहीं आपके मैसेज का बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिलेगा, बहुत ही जल्दी हम आपके लिए हेल्प सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक। बट टेंशन में मत आओ गाइस, टेंशन बहुत बुरी चीज है इनकी तरफ से, ये तो हैरस करते ही करते हैं, बट आप जब ज्यादा परेशान हो जाते हो आप कुछ गलत कदम ना उठा लें, इसीलिए हम बार बार इस लेवल की वीडियो बना रहे हैं, इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपकी चिंता है गाइस, क्योंकि हम भी आपके एक तरीके से फैमिली मेंबर हैं। जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप हमारी टीम का मेंबर, आप हमारी फैमिली का मेंबर हो, तो गाइस हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक। देखो यार मैं आपको एक बताऊं, ये फ्रॉड ही है एक तरह का, क्योंकि अगर पैसे लिए हैं, ठीक, टाइम से हम दे रहे हैं पैसे, बट फिर भी आप इस तरीके के से हैरेस कर रहे हो, तो हम पैसे क्यों देंगे? देखो यार मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल ओपिनियन अपनी पर्सनली एक बात कहता हूं कि अगर मैंने किसी से पैसे लिए, ठीक, मुझे पता है कि मैं उसके पैसे दूंगा, बट वो बंदा अगर मुझे गाली दे रहा है, मुझे सब चीज दे रहा है, तो यार देखो, और उसने लीगली मुझसे कुछ साइनमेंट नहीं करवाया। देखो मैं यहां किसी को भ्रमित नहीं कर रहा कि यार पैसे लेके भूल जाओ किसी के, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पैसे लिए हैं तो देने पड़ेंगे, ठीक। मैं लेकिन एक बात बता रहा हूं कि वो अगर हमारे अधिकार का हनन करेगा तो हम उसके खिलाफ केस डालेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे, और फिर पैसे उससे सीधा कहेंगे ना कोर्ट में आके, ले ले पैसे भाई, कोर्ट में आ जाओ, पैसे ले लो,
जब आपको इतना डर लग रहा है तो कोर्ट में आओ और पैसे ले लो। ये बात आपकी क्लियर, ठीक है गाइज। एक और मैं अभी मुझे कुछ दिन में देखो पता चला, अभी मैंने हमारी टीम से बात करी थी, किसी ने एक क्लाइंट थे, मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं इस चक्कर में, उनसे भी सतर्क रहे हैं आप। देखो कॉल रिकॉर्डिंग रुकवाने के लिए लोग, मुझे एक अभी कॉल आई थी हमारी टीम से बात करी उन्होंने, उन्होंने अपना एक बताया कि हमने यूट्यूब से देख के फोन करा था किसी को। तो गाइज देखो, आप किसी को पेमेंट करो तो वो बड़ी सोच समझ के करो, ठीक। अभी अभी मुझे जो पता चला था कि एक एक बंदे ने उनसे 25,000 रुपए ले लिए कि ये बात क्या है कि हम आपकी कॉल रुकवा देंगे। तो देखो मैं आज आपका एक डाउट क्लियर कर दूं गाइस, कॉल रुकवाना, कॉल कोई नहीं रुकवा सकता आपके पास से किसी से। हाँ आपका जो लीगली जो है आपको टेंशन होती है जिन चीज की, उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, बट कॉल रुकवा कोई नहीं सकता। आप सपोज करो आपको मेरा नंबर मिल गया, ठीक है, आपको देखो मेरा नंबर मिल गया है, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है टीम का, ये आपके पास पहुंच गया, आपने हमारा सेव कर लिया, आपने हमारे मैसेज कर दिया, ठीक है, हमने भी आपको मैसेज कर दिया हमारी टीम ने, ठीक। तो ये नंबर अगर मैं डिलीट मारूंगा या मेरी टीम वाले डिलीट मारेंगे तो आपके पास से तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट तो आपके पास से तभी होगा जब आप डिलीट मारोगे, जब आपके फोन में से डिलीट होगा वो, तभी तो हमारे पास से आपके पास से नंबर डिलीट होगा और तभी आपके मैसेज आने बंद होंगे। तो ये आपका भी मैं आज एक डाउट क्लियर कर दूं गाइस कि कॉल रिकॉर्डिंग कॉल कर रहे हैं ये, और अगर आप ये सोचिए किसी से बात करो कि आपकी कॉल आनी बंद हो जाएंगी। कॉल देखो यार कुछ टाइम तक आती है, हमने भी इतने केस सॉल्व कर दिए, मैंने 300+ केस सॉल्व कर दिए हैं लोन एप्स के ही जो है, ठीक। देखो सब में होता है, कॉल आनी बंद नहीं होती। मैं अपने क्लाइंट से पहले ही बोल देता हूं कि सर आपका सॉल्यूशन जरूर हम करवाएंगे, बट कॉल आनी आपके देखो वो उनके पास से बंद होंगी, वो हमारे पास से बंद नहीं होंगी। तो मैं आज आपको ये डाउट भी बहुत जरूरी था मेरा कि आपका यार डाउट क्लियर करूं, क्योंकि किसी जो बंदा देखो वो पहली मुसीबत में है, और अगर कोई बंदा उससे पैसे ले लेता है तो बहुत उसका बहुत जिसे कहते हैं दिल टूट जाना या भरोसा टूट जाना, तो वो होता, ठीक। तो गाइज किसी को भी मतलब कि आप इस काम के लिए देखो, इस काम के लिए आपको लीगली नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो लीगली नॉलेज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, हम बताएंगे, हमारी टीम से बात करो, क्योंकि हमने इनकी जो होते नस पकड़ रखे है, किस तरीके से इन्हें पकड़ना है, किस तरीके। देखो मैं जब भी इनके लीगल नोटिस देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि किस तरीके से फेक वो नोटिस बना के रखते हैं। जब आप इनकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो ऐसा लगता है कि आप देखिए 4-5 जने बैठे हैं और वो बोरोवर्स के साथ मजे ले रहे हैं, इस तरीके से उससे परेशान कर रहे हैं। देखो मैं सीधी बात बताऊं, आप अगर डरोगे तो आप मरोगे। डरना इनसे नहीं है, खुल के बात करनी है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी आप इनसे बात करो करो, लेकिन डरो मत। अगर आप डरते हो तो आपको ये ऑर्डर आएंगे, बस इसमें यही है कि आपको डरना नहीं है, ठीक। और गाइज देखो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे कंप्लेंट कीजिए, हमारी मैं कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपको सबको आंसर देंगे, ठीक, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है गाइज। जब आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो हमारा फर्ज है कि हम आपके साथ खड़े हों, हम आपके साथ हर जगह खड़े हैं गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी भी हो आपको मेरे टीम से बात करो, वो आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कराएंगे। मैंने पर्सनली इस केस के लिए एक नंबर लिया है, वो मैं आपको देखो यहां दिखा दिया है मैंने, ये वाला नंबर, ये हमारा मेरा नंबर, मेरी टीम का नंबर है गाइस। कभी भी आप हमसे कॉल पे बात कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, हम आपके लिए 24 आवर्स आपके लिए खड़े हैं, ठीक। टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन सिर्फ देनी है गाइस, टेंशन ले नहीं जाती, टेंशन दी जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप इनसे डरो मत, क्योंकि यार देखो। और एक बात और है गाइज, ये बोलते हैं कि घर पे पुलिस भेज देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, देखो पैसे लिए हैं तो पुलिस भी आ सकती है वगैरह वगैरह भी, गुंडे पुंडे की बात अलग है, लेकिन पुलिस अगर आती है तो रिकॉर्डिंग लगाओ, रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुना दो, वो सर देखे किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन आपका क्लियर, ठीक। कुछ लोग जब इन्हें गाली देते हैं तो कंप्लेंट भी करवाते हैं, तो इनकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होती, वो कंप्लेंट इनकी एक्सेप्ट नहीं होती। उसका रीजन मैं बताता हूं आपको कि
उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपने पैसे लिए हैं तो आपको देने पड़ेंगे, बट आप जो भी कंप्लेंट करवाते हो वो इसलिए मत करवाया करो कि लोन लिया है देने के लिए। आप कंप्लेंट डलवाया करो कि हमें गालियां दे रहे हैं, हमें इतना हैरस कर रहे हैं। हैरस कर रहे हैं वो बात अलग है, वो रिकवरी वाला भाई जो भी कह रहा है उसकी बात अलग है, बट वो गालियां दे रहा है उस बात की कंप्लेंट करवाओ, उस पर एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो हमारा हथियार है, वो हमें हर जगह बचाती है। तो उनसे शेयर करो अपनी प्रॉब्लम, अपनी अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां के इंस्पेक्टर से मिलिए, उन्हें बताइए सर हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, हमने सब बताओ, सब क्लियर होता है यार। बट अगर आप डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ परेशानियों का शिकार होगे। तो गाइस इन चीज से आपको निकलना है, इन चीज से आपको खत्म करनी है इंटेंशन को, ठीक। और जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको लोन एप्स से रिलेटेड हो, आप हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम आपके हर तरह से मदद करेगी, ठीक। हर तरह का सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको, किस तरीके से इनसे बात करनी है, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन है, ठीक। मेरे कम से कम 150-200 केस ऐसे चल रहे हैं जो अभी पेंडिंग में है इनसे रिलेटेड, लोन एप्स के, बट मैं उम्मीद करता हूं वो अगले फ्राइडे तक हम क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज आप भी हमसे टीम से देखो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से पूछो कि सर सॉल्यूशन क्या है, ठीक। हम आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है और हमारा ये फायदा है कि हमें नॉलेज मिल रही है, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी इमेज भी अगर लोगों को मैं बचानी है तो भी आप इसे शेयर करो, इससे भी आप लोगों को पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो और ये एप्स कैसे होते हैं, ठीक। इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करना, ठीक है गाइस। कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना, प्रॉब्लम्स के साथ अपनी जो भी अगर आपका सॉल्यूशन हमारे थ्रू हुआ है तो उसको भी जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे भाई बहन मुझे बताते हैं कि सर आपकी वजह से हमें सॉल्यूशन मिला, मुझे यार देखो पैसा सब कमा लेते हैं यहां, हमें बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हो और हमारा जो सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं उसको आप करते हो और हमें इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना दुआएं आप देते हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, ठीक है गाइस। तो कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम भी आपके छोटे भाई या बड़े भाई में से मान लो हमें भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।